भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि कोहरे और दिन में बादल छाए रहने की वजह से मंगलवार को पंजाब के अधिकांश हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठिठुरन महसूस की गई। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मंगलवार को राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में चिलचिलाती ठंड के साथ सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। वहीं IMD के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान कुछ जगहों पर बादल छाए रहने और बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। भोपाल में मंगलवार का दिन कोल्ड डे रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम से आने वाली हवाओं की नमी के कारण हिमालय में बर्फबारी हुई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंडी और नमी भरी हवाएं भी चल रही हैं। तापमान में गिरावट का यही कारण है। हवाओं की स्पीड कम रहने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और सुबह के समय विजिबिलिटी भी कम है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद भी ठंड और कोहरे का कहर जारी रह सकता है। 2 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा भी हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। 6 जनवरी तक तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह तक दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं विभाग ने 7 जनवरी तक शीतलहर चलने और सर्द दिन रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से 4 से 10 किलोमीटर की गति से हवाएं चली। बुधवार की सुबह घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर पश्चिम से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अगले 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। वहीं तापमान कम होने के कारण मंगलवार को मिक्सिंग हाइट 1100 मीटर पर रहा। वेंटिलेशन इंडेक्स भी औसत से कम रहा। IMD के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी रहेगी। इसके बाद ही लोगों को कुछ राहत मिलेगी। IMD ने सचेत किया है, खराब मौसम के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है, साथ ही वाहनों के बीच टक्कर की संभावना, ट्रेनों के परिचालन में देरी और उड़ानों के रद्द होने की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दमा के मरीजों को सांस की तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन और संक्रमण की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही IMD ने लोगों को लंबी यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं जैसे पानी और दवा को लेकर चलने और फॉग लाइट का उपयोग करके सुरक्षित ड्राइव करने का सुझाव दिया है। साथ ही लोगों को यात्रा से पहले रेलवे, एयरलाइंस, राज्य परिवहन और फेरी सेवा संचालकों से पूछताछ करने की भी सलाह दी गई है। मंगलवार को दिल्ली NCR में बर्फीली हवा चलने और दिन में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार से शनिवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और भी गिर सकता है। विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह तक दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं विभाग ने 7 जनवरी तक शीतलहर चलने और सर्द दिन रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।